जब गए क्यों करिया नाम बिना जब रोग ब्यापिया नाम बिना जब रोग ब्यापिया दुविधा डूब डूब मरी है दिन शब्द क्यों तरी है पव जल दिन शब्द क्यों तरी है बिन शब्द रब जी तभी बचाते हैं जब हम उनके रजा नियम सिस्टम में रहते हैं। हम उनके रजा नियम सिस्टम में नहीं रहते। अब रजा नियम सिस्टम को समझने के लिए बेड़ी को कैसे पार लगाया जाता है ये सारा लॉ ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने समझा। आर्किमिडीज लॉ जिसको लॉ ऑफ बॉयंसी कहते हैं। आर्किमिडीज ने नहीं बनाया वो नियम। आर्किमिडीज कुदरत का यह नियम समझ गया कि मेरे पानी के अंदर जाने से कुछ पानी बाहर निकला। He understood the law कि
अपने वजन के वॉल्यूम के भार के बराबर अगर पानी को डिस्पर्स किया जाए तो वो चीज तैरती है, वरना वो डूब जाती है। दुनिया के जितने शिप्स बनाए गए हैं इस लॉ के मुताबिक बने हुए हैं, उस लॉ के मुताबिक उसकी बढ़तर ऐसे है कि वो पानी को डिस्पर्स करते हैं उतना। आप देखना शिप काफी सारा अंदर पानी में होगा लेकिन वो उस हिसाब से होगा जितना पानी डिस्पर्स करना है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाए तो पानी ऊपर से अंदर आके डूब जाएगा। मैं अपने आर्टिकल में लिख रहा था पानी नहीं डुबाता है, ये माया नहीं डुबाती है, ये विकार काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं डुबाते हैं, ये भगवान जी ने बनाए हुए हैं। पानी भी भगवान जी ने बनाया हुआ है, पानी तो अपनी मस्ती में है, काम क्रोध लोभ अहंकार कोई माड़ी चीज नहीं है, माया कोई माड़ी चीज नहीं है, ये नहीं डुबाते हैं। डूबते तो हम अपनी मोरियों के कारण है। आप ध्यान करो बेड़ी, बेड़ी में जो पानी बाहर है वही पानी अंदर है, पानी को क्या दुश्मनी है यार, पानी नहीं डुबाता है, बेड़ी में मोरियां हो गई और पानी अंदर आ गया। अब क्या हुआ, बेड़ी को जितना पानी डिस्पर्स करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रही तो डूब गई है। तो पानी कुदरत के लॉ नियम मुताबिक के अपने अनुसार जी रहा है, चल रहा है। माया, पैसा, विकार, काम क्रोध लोमकार, ये सब ये पानी है, ये माया है। लेकिन ये नहीं, जो इंसान अपने जीवन में अपनी सुचेतता में नहीं है उसके बारे में गुरु साहब बोलते हैं हमको कि बेड़े नु कप्पड़ क्या करे जो पातण रहे सुचेत, लंबी लंबी नदी वह तंदी के रे खेत हेत। ये लंबी नदी वह रही है विकारों की माया की, लेकिन ये तुम्हारे बेड़े को कुछ नहीं कर सकती, ये जो किनारे पर लगे पेड़ है इनको नहीं गिरा सकती। कारण क्या, बेड़े नु कप्पड़ क्या करे जो पातण रहे सुचेत, जो मल्लाह सुचेत रहता है ना उसकी बेड़ी को ये नहीं डुबा सकते हैं। तो हमको ये समझना होगा बेड़ी रस्ते च डूब ना जाए, इस करके आने वाले तूफान बारे फार साइटेड बारे समझना होगा। बेड़ी दा वड्डे तो वड्डा साइज किवें करिए, आई वॉज ट्राइंग टू राइट इन माई आर्टिकल कि हमारा ना क्या होता है, एक छोटी सी बेड़ी होती है आपने देखी होगी, उसको बोलते हैं क्योक, क्योक वाली बेड़ी होती है, ऐसे छोटी सी बंद बेड़ी होती है, उसमें सिर्फ इंसान के बैठने की जगह होती है, उसमें ऐसे फिट हो जाते हैं, बस जरा सी हवा चली बेड़ी डूब जाती है, उलट जाती है बार 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 बार, उसमें और कोई बैठ नहीं सकता है। खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, अमेरिका में ऐसे जो बहुत क्लोज माइंड ना सेल्फिशनेस वाले, दे बाय टू डोर्स कार नॉट फोर डोर्स कार, दो दरवाजों वाली कार खरीदते हैं, कोई और बैठेगा ही नहीं, बस या तो मैं कल्ला बैठूंगा तो या फिर मेरी गर्लफ्रेंड साथ बैठेगी, बस मम्मी पापा भैन भरा नहीं बैठ सकते। खुदगर्जी, क्योक वाली बेड़ी है कई लोगों की, सिर्फ अपने तक, ये मैं उठा, ये मैं सैर गया, ये मैंने योगा किया, ये फिर मैंने मसाज वाला बुलाया, ये फिर मैंने मालशी बुलाया, ये फिर मैंने रोटी खाई, ये फिर मैं ऑफिस गया, ये फिर मैं ऑफिस से आया, फिर मेरे को घुटने वाले आ गए, फिर घुटने के बाद फिर मैं स्विमिंग पूल गया, फिर स्विमिंग पूल के बाद फिर मैं जिकूजी बाथ गया, उसके बाद मैंने फिर उसके बाद स्टीम बाथ लिया, फिर मैंने रोटी खाई, फिर मैंने सो गया। जो हर टाइम सिर्फ अपनी सेहत, अपना सुख आराम में पड़े रहते हैं ना, वो क्योक की बेड़ी की तरह सेल्फिश है। बेड़ी वन, बेड़ी टू, उसमें दो इंसान बैठ सकते हैं। अपनी अपनी बारे में सोचते जाओ कि मैंने कौन सी बेड़ी बनानी है, मैं सिर्फ अपने जोगा, परिवार जोगा भी नहीं। कईयों की बेड़ी में चार जन्ने बैठ सकते हैं, कईयों की बेड़ी बेड़ी से बेड़ा हो जाती है, वो कई और बंदों को बिठा लेते हैं, वो अपने पूरे मजहब के कौम को बिठा के चलते हैं, लेकिन बेड़ी से बेड़ा हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोविंद सिंह जी, अपना परिवार वार के सारी दुनिया के लिए बेड़ा बना लेते हैं, भाई तुम सारे सुखी बसो, अपना बेड़ा इतना बड़ा बनाना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने अपनी बेड़ी कैसी बनानी है, अपना बेड़ा कैसे बनाना है, बेड़े का साइज बड़ा करना होगा। ये पॉइंट को समझते समझते आगे समझना है, डूब जाना की होता है, हम डूब गए, जो हम छेदों की बात कर रहे हैं, डूब गए, तर गए की होता है, अगर अपने जीवन में ढंग से पार जा रहे हैं तो तर गए। एक पॉइंट मेरे को ये डिस्कस करने का बड़ा दिल है,
तूफान वेले एंकर क्यों लगाते हैं? जब हमारी बेड़ी जाती है, आपने देखा होगा शिप्स जाते हैं, उनके अंदर वो ऐसे शैनेल का आजकल साइन बना हुआ है, ऐसे वो बना होता है, उसमें यूं सरिया लगा होता है और चेन से बंधा होता है, उसको एंकर बोलते हैं। जहां पर तूफान आते हैं वो दोनों तरफ देखते हैं, अभी आगे बेड़ा जाएगा तो डूब जाएगा, वो तूफानों से बचने के लिए वो एंकर को छोड़ देते हैं, वो जमीन में जाके गड़ जाते हैं, बेड़ा ऐसे खड़ा रहता है, तूफान आते हैं पर ये डूबता नहीं है। ये जो एंकर है ना, ये एंकर को समझना होगा लाइट हाउस के साथ। आप सबने सुना या नहीं सुना पर मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। समुंदर में लाइट हाउस होते हैं, लाइट हाउस ऐसे ऐसे बिल्कुल थिन सी बीम लाइट होती है, बड़े बड़े माइल्स 10-15 मील दूर तक वो लाइट जाती है। वो लाइट से ना शिप्स को समझ में आ जाती है कि हम ना किनारे के पास पहुंचने वाले हैं, शिप्स को डायरेक्शन समझ आ जाती है। तो ये लाइट हाउस का इतना काम होता है। जो पुराने पुराने लोग थे जो ऐसे ट्रेवल करते थे, वो अपनी अमीरी का सारा पैसा ना लाइट हाउस लगा के दान कर जाते थे कि लोगों का शिप डूब ना जाए, लोगों का शिप गर्क ना हो जाए। लाइट हाउस कौन है आज की डेट में? ये एंकर कौन है तूफान से बचाने के लिए? गुरु। बिन शब्द है क्यों तरी है, नाम बिना जग रोग व्याप्या, डूबदा डूब डूब मरी है। क्या है? गुरु। गुरु गुरु लाइट हाउस है। आप लेना चाहते हैं उससे डायरेक्शन ले लीजिए, आप नहीं लेना चाहते हैं आप उसको धूप अगरबत्ती चढ़ा के पूजा करते रहिए, आपकी मर्जी है। लाइट हाउस टू अंडरस्टैंड। अब लाइट हाउस हमारे लिए खतरे की घंटी भी बन जाता है, जैसे कभी सड़क के ऊपर ना गटर बना हो और वो टूटा हो, उसमें गाड़ी गिर जाएगी, स्कूटर गिर जाएगा, तो वहां पर ना एक ना लैंप लगा देते हैं, वो लैंप जलता रहता है, ऊपर लाल कपड़ा लगा देते हैं, अभी खतरा है यहां पर बच के रहना, दैट इज लाइट हाउस। तो गुरु खतरे से बचाता है, गुरु समझाता है कि तुम्हारी कहां कहां पर मोरी है, इससे बच के रहो बच्चों जी, डूब जाओगे। लेकिन अपने मन की बात मानता है, गुरु साहब कहते हैं मन राजा, मन मानते मान्या, मनसा मने समाई। तेरे अंदर जो डिजायर्स हैं, ये मोरियां हैं, इनके बारे में सोच। अब अगर अपने अवगुण दूर नहीं किए और मंगे मांगता जा रहा है तो फायदा क्या होगा? मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, आपके पास रूमाल है, रूमाल आपका गंदा है, आप ना इसे आंखें साफ कर सकते हैं, ना पसीना साफ कर सकते हैं, ना नाक साफ कर सकते हैं, क्योंकि रूमाल बहुत गंदा है, यू कैन नॉट यूज इट। सेकंड, आपके रूमाल के ऊपर 50 गांठें पड़ी हुई हैं, तो रूमाल तो नजर नहीं आ रहा, गांठें ही गांठें नजर आ रही हैं, क्या आप इसे पसीना पोंछ सकते हैं? क्या इसे नाक साफ कर सकते हैं? क्या आंख साफ कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट यूज एट ऑल। सो हमारी लाइफ के अंदर ये हमारा जो रूमाल है ना, हमारी बेड़ी, हमारी शख्सियत, इस रूमाल को अवगुण की, डेफिशिएंसीज की, इम्परफेक्शंस की ना गांठें बंधी हुई हैं। अपने जीवन में ये गांठें खोल देंगे ना तो ये बेड़ा पार हो गया, ये रूमाल यूज करने लायक हो गया। सो एक्चुअल सॉल्यूशन इज गुरु का ज्ञान लेके ओपन द नॉट्स ऑफ योर हैंडकरचीफ। अगर बातें करते रह गए, प्रैक्टिकल ना किया, दुनिया को पढ़ाते रह गए, अपने धर्म को सिर्फ याद करते रह गए, रट्टाफाई करते रह गए, सब बेकार हो जाएगा। बी प्रैक्टिकल। इसके बारे में मैंने एक सेंटेंस बनाया था, यू कैन नॉट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। सिर्फ ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होगा। पीछे हमने हजरत मोहम्मद के बर्थडे पे एक जगह बोलते हुए ये इल्यूजन स्पॉन्टेनियस डिस्कस किया था कि हम लोग क्रिकेट के स्लिप कैचर्स हैं, स्लिप पे ना कैच करने वाले ऐसे बैट्समैन हैं, तीन यहां पर स्लिप वाले होते हैं, कई बारी चार स्लिप के कैच करने वाले जोरदार डाई मारते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, वो किसी भी कैच को मिस नहीं करते हैं, अचानक बैट से स्निक होके आया, उसने कैच कर ली। स्लिप कैचर बहुत ट्रेंड फील्डर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। हम सारे दुनिया के धर्म वाले ना स्लिप कैचर्स हैं। मालूम है कैसे? ये बात आप कह रहे हैं, ये कोटेशन, ये वाली बात, ये तुम्हारे कुरान में लिखी हुई है, कैच पॉकेट में, कैच कर लिया, ये बात आप कर रहे हैं, और ये तो गुरु ग्रंथ साहब में आई है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, कैच
पॉकेट में। ये जो आप बात कर रहे हैं ना सिद्धार्थ जी, ये तो गीता में लिखी है, कृष्ण जी बोल गए हैं, रामायण में लिखी हुई है, कैच पॉकेट में। व्हाट यू आर सेइंग मिस्टर सिख, मिस्टर सिंह जेंटलमैन, दिस इज ऑलरेडी रिटन इन बाइबल, कैच पॉकेट में। पर इसमें प्रैक्टिकल जीने की तो जरूरत ही ना रही ना। हम एक दूसरे को इसीलिए काटते जा रहे हैं कम्युनल हेट्रेड के चक्कर में, बस ये बोलते जा रहे हैं ये हमारे में लिखा, वो बोला हमारे में लिखा, कैच करो बस। स्लिप के कैचर क्रिकेट में खेलने वाले कैच ही करते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल तो चल नहीं रहे हैं। साहिल पे रहने वाले हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, साहिल पे रहने वाले हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। मींस कोई प्रैक्टिकल काम भी तो करो यार, डूबने वाले पे रोते मत रहो। अब जी मुंडे कुड़ियां बर्बाद हो रहे ने, आजकल इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, की करिए जी, देखो इंज हो रहा है जी, इंज हो रहा है, फिर कुछ करो, गेट अप। बेड़िए दी मोड़ियां बारे अवेयर हो जाना, सोल्यूशन इज गुरु साहब कहते हैं अंतर गुरु आराधना जीवा जप गुरु नाम। साडी ये बॉडी है, इहदे अंदर भी नौ मोड़ियां ने, केड़ियां? अख नक कन्न सारियां जितनियां मोड़ियां तुसीं जानदे हो, मैं पढ़ाना नहीं तुहानू। इन्हां मोड़ियां नूं ना कोंकर कर लेना, इन्हां मोड़ियां तो ना पानी अंदर ना आ जाए विकारां दा, बेड़ी डुब ना जाए। अंतर गुरु आराधना जीवा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम, सतगुर सेती रत्या दरगा पाई है ठाओ। इफ यू अचीव दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड योर प्रैक्टिकल लाइफ दिस यू आर इन द कोर्ट ऑफ गॉड, तुसी भगवान की दरगाह में पहुंच गए। ये जींदे जी सक्सेस है, ये जींदे जी मुक्ति है। जी जी जींदा सफल हो गया कोक नानक कृपा करे, जिसनू ए वत दे उन्होंने कहते ने जग मैं उत्तम काढ़ी है विरले कई के। वो लोग विरले बन जाते हैं, वो एक्सक्लूसिव बन जाते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बन जाते हैं, क्योंकि उनका बेड़ा इतना बड़ा तैयार हो जाता है कि उस बेड़े के ऊपर सब लोगों को वो साथ लेके चल सकते हैं। जब तप का बंद बेड़ला जित लंगा वेहेला, ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला, सुहेला राह समझ आता है। जो गोल अचीव करना चाहते हो करो, नो प्रॉब्लम। जो बनना चाहते हो बनो, टू बी द पर्सन यू वॉन्ट टू बी इज रियल सक्सेस, यू नो। जो बनना चाहते हो बनो, जो दुनिया में संवारना चाहते हो संवारो, पर समझना है कि कम्युनल हेट्रेड करके नहीं, अपने मजहब नु ऊंचा करने वास्ते दूसरे के धर्म को नीचा डालने की जरूरत नहीं है। दूसरे धर्म के लोगों को मार के अपने धर्म को ऊंचा कर लेना जरूरत नहीं है। अगर तुम जो भी बनना चाहते हो, अगर किसी के कंधे पे टांग रख के तुमको ऊपर होना पड़ता है, ये सक्सेस सक्सेस नहीं है। नेवर ट्राई टू सप्रेस अदर्स, दूसरे के सिर पे पांव रख के आप ऊंचा होने वाले गर्क हो जाते हैं। अपने शिप को बचा के रखना है, नो कम्युनल हेट्रेड। हमको ईगो, डिस्क्रिमिनेशन, एंगर, लोभ, मोह, फ्रस्ट्रेशन से बचना है। पशु वृत्ति से इंसानियत की वृत्ति समझना, अपनी इंद्रियों को काबू करना। वन कैन नेवर अचीव सक्सेस बाय रिनाउंसिंग और सप्रेसिंग। हम लोग सप्रेस करते रहते हैं, रिचुअल्स करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अपने आप को नहीं अचीव करते हैं। रब दी रजा पाने नू समझना, हैंडिंग प्रॉब्लम्स विद विजडम। नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार। डिवेलपिंग योर बैलेंस पर्सनैलिटी एंड अपने अंतर आत्मे दी पछाण कर लेना, अपने आप को समझ लेना, ये रियल सक्सेस है। हुण जदों अपने आप नू समझ लांगे, जिहड़ियां डिजायर्स मंगा करदे रहिंदे अपने लोभ मोह ग्रीड वास्ते, अपने टब्बर वास्ते, उस दे वास्ते गुरु साहब कहंदे ने मन राजा मन मन ते मान्या मनशा मने समाई। ये चैन विच आ जाएगा, जिहड़ा मन सानू डुलांदा ना चैन विच आ जाएगा। मन जोगी मन बिनस बियोगी, मन समझै रब दे गुण गाण लग पेगा, रब दे गुण गुरते मन मारिया, गुरु जैसा समझाएगा मन वैसा टिक जाएगा। गुरते मन मारिया। एक माता जी मैनू पुछदे ने, वीर जी मैं तुहाडा सैमीनार बड़े चिर तो अटेंड कर रही हूँ,
मैं जदों पाठ करदी हाँ मन नहीं लगता, मैं जदों गुरुद्वारे जाती हाँ मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकदा, दसो मैं की करा। मैं टैलीफोन पर उन्होंने जवाब दे रहा, इस करके मैं क्या माता जी मेरे सामने आते तो मैं थोड़े पैरों हाथ लगा के थोड़ी गोदी में बैठ के थोड़े नाल प्यार नाल गल करदा, पर उस समा तो नहीं है। तो मैं थोड़ा इन्नी बेनती करना चाहता कि तुसी बड़े ग्रेट हो के तुसी यह गल ओपनली कह रहे हो। दरअसल सारी दुनिया का यो हाल है, पाठ करते रहते ने ध्यान किधरे होर, लुकिंग टोक्यो टॉकिंग लंडन, पर माता जी सारिया का हाल यही है, मन किसी का नहीं लगता। फिर बेटा मैं अपना मन किस तरह काबू करके लियाव, मैं क्या माता जी मन नू काबू नहीं किया जा सकता, मन नू काबू करन दी लोड़ नहीं है माता जी। शी वॉज अमेज्ड, शी वॉज शॉक्ड एंड शी वॉज स्टंड। शी सेड फिर की करना चाहिए बेटा। मैं क्या माता जी पता की करना है, सुनियारा होंदा है ना वो अपनी कुठाली विच सोने नू ना गालदा है, थल्ले अग बालदा, सोना उहदे विच पुड़कदा है, बार बार पुड़कदा उछलदा है, क्योंकि सोने दे विच इंप्योरिटी है, उहदे विच अवगुण ने, उहदे विच गारबेज मिक्सड है। हुण जदों अग दे विच उहनू साड़दा है सोना पुड़कदा रहिंदा है, इंज साडा मन पुड़कदा रहिंदा है, मन टिकदा नहीं है, मन थिर नहीं रहिंदा। जिन्ना मर्जी पाठ कर लईए, जिन्ना मर्जी कीर्तन कर लईए, जिन्ना मर्जी अखां नूट लईए, अखी तां मीटे नाक पकड़े ठगण को संसार, इहदे नाल कुछ नहीं होएगा। अखां नूट के इस तरह झूमण दे नाल कुछ करन नाल कुछ फायदा नहीं होना। तो माता जी कहंदे फिर की करा बेटा। मैं क्या तुसी उस बस एग्जाम्पल नू समझ लो, ज्यों ज्यों वो अग दे ताप दे नाल सोने दी इंप्योरिटीज उहदे अवगुण सड़दे जांदे ने, जो दे अंदर मिक्स है सड़दे जांदे ने ना, सोना इन्हां पुड़क रहा सी पुड़क रहा सी पुड़क रहा सी, आस्ता 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 जदों प्योर हो जांदा ना बैठ जांदा है। शी सेड देन, मैं क्या बस माता जी यही समझना है, साडा ना मन ना नहीं टिकेगा, इनू कितों भी जबरदस्ती काबू करके नहीं लियाया जा सकता। सिर्फ इसनू गुरु दे ज्ञान दे ताप दे नाल, विजडम दे नाल, नॉलेज दे ताप दे नाल इहदे अवगुण साड़ने ने, कि गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा बन जावांगे, वह अवगुण सड़दे जाणगे। साडा भुड़कना मन भुड़कदी रहिंदा, इधर उधर डके डोले खांदा रहिंदा, यह टिक जाएगा, इनू टिकाणा नहीं पेगा, यह सोने वांगू टिक जाएगा। ता की होएगा, नानक साहिब भरपुर लीना सात शब्द निस्तारा, सच दे शब्द दे ता दिता, यह साडा सोना प्योर बन गया, अवगुण सड़ गए, मन टिक गया, फिर घर बैसो हर जन प्यारे हो गया, सतगुरु तुमरे काज सवारे हैपन्ड ना हो गया। बस यही तो समझना है कि अपने जीवन की बेड़ी नू पार किवें लंघाइए, किवें लंघा सकते हैं। ये सारी खेडना मुश्किल नहीं है, ये सारी खेडना संतां दे डेरियां ने, या सो कार्ड धार्मिक ठेकेदारा ने, या सो कार्ड अपने आप नू धर्मी समझवाने वाले श्रीमान 108 ब्रह्म ज्ञानी जी ने मुश्किल बना दिती है। सात संगत जी, मेरे फेलो सिटीजन्स, मेरे दुनिया के लोगों, मेरे भारत के लोगों, ये इंसानियत, ये स्पिरिचुअलिटी अचीव करना बहुत आसान है। सिर्फ काम करना है भगवान के ऊपर नहीं, काम करना है अपनी इम्प्योरिटीज़ के ऊपर, अपने टाइटैनिक की मोरियों के ऊपर, अपने छेदों के ऊपर, बस ये बेड़ा पार लंघ जाएगा। फिर हम कहेंगे कबीर साहब की तरह, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। बस इस सारा परिवार बेड़े चढ़ा सकते हैं, अपने आप इच प्रेम दी प्यार दी पर्सनैलिटी बनते जाइए, अपने नाल प्यार करके अपनियां मोरियां बचा लईए, ते दूजे नाल प्यार करदे करदे सारा परिवार बेड़े चढ़ा सकते हैं। पुल्ला चुका दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेड़ा कबीर, बेड़ा जरूर।
बेड़ा जर्जरा